शब्दों में इतनी ताकत है कि वो हमें अर्श से फर्श तक पहुंचा सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एज ए कोच एंड एज ए पर्सनल काउंसलर आई हैव एक्सपीरियंस्ड सो मैनी टाइम्स कि सबसे ज़्यादा जो हम लोगों की ज़िंदगी में परेशानियों के कारण देखते हैं वो है वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। बीइंग ए इमोशनली ट्रिगर्ड पर्सन, मैंने भी ये बहुत एक्सपीरियंस किया है कि सेंसिटिव लोगों को कई बार छोटी छोटी बातें ही इतना स्ट्रेस दे जाती हैं, इतना ट्रिगर कर जाती हैं कि वो लॉन्ग टर्म में उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर डालती हैं। चाहे वो पेरेंट्स ने बच्चों को कही हो, बच्चों ने पेरेंट्स को कही हो, सिबलिंग्स ने कही हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल और एनीथिंग। तो आज मैंने कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए कि कुछ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स या कमेंट्स हैं, मे बी 10 और 11, जो हमें पर्सनल कन्वर्सेशंस में बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। हम किसी भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर बात कर रहे हैं और किसी के साथ भी कर रहे हैं, भले ही हम जितना मर्जी डिस्टर्ब हों, भले ही हमारे जितने मर्जी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हों उस पर्टिकुलर पर्सन या उस रिलेशन में, भले ही वो पर्सन हमारे लिए अब मैटर ही ना करता हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी यहाँ से वहाँ नहीं कहनी है। नंबर 1, आई हेट यू। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम किसी भी हीटेड आर्ग्यूमेंट में बड़ी जल्दी थ्रो आउट कर देते हैं, वॉमिट आउट कर देते हैं, लेकिन इसका जो इको है, इसका जो एक आवाज़ है, वो सारी उम्र सुनने वाले के दिमाग में बैक ऑफ माइंड गूंजती रहती है। आई विश यू नेवर पार्ट ऑफ माई लाइफ, काश तुम मेरी जिंदगी में कभी नहीं आती या आते। ओह माय गॉड, मतलब जैसा मैंने बोला, भले ही वो मैटर ना करता हो इंसान, वो रिश्ता आपके लिए ना मैटर करता हो, वो सब कुछ ख़त्म भी हो गया हो, तब भी वो जो एक पोजेशन थी हमारी लाइफ की किसी भी रोल में, उसे हम इस तरह से ह्यूमिलेट या डीमीन नहीं कर सकते। एक स्टेटमेंट जो बहुत बार मैंने सुनी भी है, आई डोंट केयर व्हाट यू वांट टू से, मुझे बिल्कुल लेना देना नहीं है तुम क्या कहना चाहते हो या कहना चाहती हो, ये इतना रूड है कि वो दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू क्रश करके उसे शट डाउन कर देता है, उसको कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल बाद में जो उसका एक बल्ब है वो ऑफ हो जाता है। और ये सिर्फ इस पर्टिकुलर रिलेशन में नहीं होता, इसका ताउम्र बहुत सारे अगले रिश्तों में भी रोल रहता है, खासकर अगर ये चाइल्डहुड में पेरेंट्स या एडल्ट से बच्चे ने सुना हो। आई हेट द पीपल इन योर लाइफ, बहुत सुना है मैंने, बहुत कैजुअली लाइटली एक दूसरे को ये कहते हुए, यार कैसा दोस्त बनाया है, किस तरह के रिश्तेदार हैं तुम्हारे, किस तरह के लोगों में तुम बात बैठते हो या बात करते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आना, हेट दोस्त पीपल। ये सीरियसली पर्सनल अटैक हो जाता है और मुझे लगता है कि मोर डेंजरस दैन फिजिकल अटैक, जितना ये इमोशनल अब्यूजिव अटैक होता है। एक जो बात बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस की है और मेरे क्लाइंट्स भी मुझे आके बताते हैं कि जब भी किसी की ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाता है, किसी के डिसीजन गलत हो जाते हैं, किसी का जो एक चॉइसेस फेल हो जाती हैं, तो अक्सर जो समझदार लोग होते हैं या जिन लोगों ने मुझे गाइड किया होता है, सजेस्ट किया होता है, तो वो ये बोलते हैं कि यू डिज़र्व एवरीथिंग वट एवर बैड हैपन्ड इन योर लाइफ, क्योंकि तुमने किया ही ऐसा है, तुम्हारे काम ही ऐसे हैं, तुम्हारे फैसले ही ऐसे हैं, तुम्हारी चॉइसेस ही ऐसी हैं, तुम तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। फॉल्ट्स, मिस्टेक्स, फेलियर्स, मतलब जो मर्जी हो, नॉट वर्थी ऑफ गुड इन लाइफ, ये वाली एहसास हम किसी को नहीं दिला सकते, चाहे हम पेरेंट हैं, बॉस हैं, चाहे हम सीनियर एडल्ट हैं, कुछ भी हैं। एक बात मैं जो समझती थी पहले, जब मैं टीम पे, स्टूडेंट्स पे या किसी पे बहुत ज़्यादा काम कर लेती थी और मुझे रिजल्ट्स नहीं आते थे, तो मैं बैक ऑफ माइंड सोचने लग जाती थी कि दिस पर्सन विल नेवर चेंज। थैंकफुली बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, मैंने कभी उसको ये वर्बली मुंह पे नहीं कहा कि यू विल नेवर चेंज, बिकॉज ये इनकरेजिंग नहीं है, ये डैमेजिंग है, ये मैंने समझा। और अब मैंने उसे यहाँ रखना भी बंद कर दिया है। जब भी हम किसी इंसान के साथ काम करते हैं, हम रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखते, हम सिर्फ करते हैं अपना कर्म और छोड़ देते हैं। कभी ना कभी मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, 12-12, 15-15 साल के बाद स्टूडेंट्स हमें कॉल करके बोलते हैं कि तब आपकी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज लाइफ के जो झटके हम सह रहे हैं, तो बहुत समझ में आता है कि ये आपने वो बात क्यों कही थी।
सो कीप वर्किंग ऑन पीपल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस विद अनकंडीशनल स्पिरिट. जब भी किसी की लाइफ में बहुत बिटर एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं और वो डिप्रेस्ड है, लो फील कर रहा है, एंग्शियस है, परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट है, तो हम इसको ये बोलते हैं फॉरगेट अबाउट इट, एवरीथिंग विल गेट बेटर, स्टे काम. ये मलहम लगाना नहीं है, ये सप्रेसिंग है ट्रू इमोशंस. ना वो हमने खुद के साथ करनी है, ना हमने किसी दूसरे के साथ करनी है. जैसे मैंने आपको पहले बोला ना कि जब किसी की गलती होती है तो हम उसे ये रियलाइज़ कराते हैं कि तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारा साथ, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे फैसले ही गलत हैं. एक स्टेटमेंट मैंने पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सुनी है, आई कांट बिलीव हाउ स्टूपिड यू आर, क्या तुम ऐसा भी कर सकते हो. वो जो सजेशन लेने आया है, वो जो अपना दुख बांटने आया है, वो जो अपनी गलतियों का एहसास करते हुए आपसे राय लेने आया है, उसे हम ये बात कभी ना कहें, भूल कर भी ना कहें. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एनी रोल एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एज ए पेरेंट हमें लगता है ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. किसी से मन से टूट जाना, डिटैच हो जाना, नफरत करने लग जाना, हद तक टूट के नफरत करने लग जाना, फिर भी कभी ये ना कहना आई डोंट वॉन्ट टू सी यू एवर अगेन. आपको नहीं पता कभी कभी ये बात कही हुई किसी की लाइफ पे इतना असर कर जाती है कि वो सच में इंसान सोशल लाइफ से और कभी कभी तो दुनिया से गायब हो जाता है. तो इस तरह की स्टेटमेंट हम किसी भी नेगेटिव टू नेगेटिव सिचुएशन या रिलेशन में नहीं सोचेंगे, नहीं कहेंगे. और लास्ट, एंटायर रिलेशनशिप को डिमिनिश करने वाला, एंटायर कम्युनिकेशन को वस करने वाला, एंटायर जो एक सर्विस कम्युनिटी है उसके माथे पे कलंक लगाने वाला एक स्टेटमेंट है जो लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ. आई हैव डन सो मच फॉर यू, वट यू डिड टू मी, यू ओ मी एंड यू हैव चीटेड ऑन मी और यू हैव डन दिस टू मी, नो आई एम सो सॉरी. ये जिस दिन आपने कह दिया, मतलब उस दिन आपने अपना किया कराए पे सब पानी फेर दिया. सो हाउ मच हीटेड वी मे बी, हाउ मच डिसअपॉइंटेड वी मे बी, हाउ मच ह्यूमिलेटेड वी मे बी, लेकिन मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो जो स्टेटमेंट्स आज हमने डिस्कस की हैं, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट भूल के भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए. यहाँ रहती है बहुत बार, हमारे मन में भी बहुत बातें रहती हैं, लेकिन काम रहना है, अवॉइड करना है रैश रिमार्क्स, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू कीप रिलेशनशिप अलाइव फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस. बहुत बार पता नहीं होता ज़िंदगी किस मोड़ पे दोबारा किससे मिलवा दे, और कल को अगर आपको ये रियलाइज़ हो, आपको ये पता चले कि किसी की मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेशन में आपके किसी एक रिमार्क का, एक कमेंट का, एक स्टेटमेंट का हाथ है, तो वो गिल्ट ताउम्र मन से नहीं जाता. तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपना, अपनों का, अपनी कम्युनिकेशन का, अपने कन्वर्सेशन का, अपनी स्टेटमेंट्स का, कमेंट्स का ज़रूर ज़रूर ध्यान रखें. शुक्रिया, लव यू ऑल, टेक केयर.